नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झामुमो के बैनर तले झामुमो नेता साहजीप 29 के सदस्य गुलाम कुरैशी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मैथन डीवीसी के प्रशासनिक भवन का घेराव किया। साथ ही प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। समर्थन में झामुमो जिलाध्यक्ष रमेश टुडू, प्रवक्ता अर्णव सरकार भी धरना स्थल पहुंचे। आंदोलनकारियों का कहना है कि डीवीसी प्रबंधन वार्ता के आश्वासन के बाद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं करते हैं। जिन आदिवासियों की जमीन पर मैथन डीवीसी बसा हुआ है, उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। गोगना गांव के लोगों को पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। डैम के निकट कई ऐसे आदिवासी गाँव हैं जहाँ अब तक पीने के लिए पानी और बिजली नहीं है, ना ही डीवीसी प्रबंधन सीएसआर के तहत यहाँ के लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं। नियमतः प्लांट के आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में प्लांट के प्रबंधन द्वारा सीएसआर के तहत ग्रामीणों के लिए जमीनी सुविधाओं का प्रबंध करना चाहिए, लेकिन 5 किलोमीटर तो दूर की बात है। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बसे लोगों को भी कोई लाभ नहीं मिलता है। विस्थापितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। डीवीसी के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आज झामुमो डीवीसी को चेतावनी देती है कि अगर उनकी मांगों की सुनवाई जल्द से जल्द नहीं होती है तो आने वाले समय में झामुमो के बैनर तले जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा, जो ऐतिहासिक रहेगा। इधर सूचना मिलते ही 11 वीडियो विनोद कुमार कर्मकार मैथन पुलिस दलबल के साथ पहुंचे और डीवीसी की सीआईएसएफ टीम के साथ बैरिकेटिंग कर आंदोलनकारियों को प्रशासनिक भवन के अंदर जाने से रोका। प्रबंधन को पत्र के माध्यम से अवगत करा रहे हैं और बहुत पुराना मामला है और गोगना गांव एक विस्थापित गांव है, लेकिन यहां का जो प्रबंधन सोतेला व्यवहार कर रहा है। हम लोग का जमीन पे डीवीसी बसा है, लेकिन हम लोग को ही वंचित किया जा रहा है। हम लोग को 2-4 बार वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन हम लोग को बुड़बक बनाया गया है। और यहां का जो प्रोजेक्ट हेड है वो एक नंबर का कमीना आदमी है, उसका जबान का कोई वैल्यू नहीं है। आज अगर हम लोग का समस्या का हल नहीं हुआ तो आंदोलन देखने लायक होगा यहाँ का। हम लोग 2 दिन के बाद फिर आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे देखने लायक इतिहास हो जाएगा यहाँ का। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैनर तले ये आंदोलन हो रहा है और आज हम लोग का समस्या का हल चाहिए। किन किन मुद्दों में हम लोग देखिए, गोगना गांव का बिजली का तार पूरा जर्जर हो चुका है। पानी के लिए महिलाएं वहां पर घंटों लाइन लगा रही है। आज बेलियात बस्ती जाइए आपका पुरोलिया बस्ती जाइए, नीमडंगा जाइए, कहीं कोई भी जो 5 किलोमीटर तक का रेंज में इसको काम करना कुछ नहीं कर रहा है। ये पूरा जो है एक जो भी गांव है एक आदिवासी का गांव और ये आदिवासी विरोधी प्रबंधन है, इसलिए इन लोग को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और हम लोग इसके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं।